अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस होगा या कंपटीशन होगा, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। डेट मीन्स कि एंट्रेंस कंपटीशन होगा या मेरिट बेस पर होगा, इसके ऊपर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो MSK सेंटर को जाकर आप यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर से आप जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जामिया में इस्लामिया इस बार एंट्रेंस लेगी या मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जामिया में इस्लामिया ने एक नोटिस जारी कर रखा है। उस नोटिस में ये जामिया में इस्लामिया ने बताई है कि आप अपने मार्कशीट को अपलोड करें, जो 20 अगस्त को आया है कि आप अपना मार्कशीट को अपलोड करें। अगर आप अपने मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो उनके पास टोटल आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अगर इन केस फ्यूचर में मान लीजिए डेट एक्सटेंड करता है तो हो सकता है कि आपका एग्जाम मेरिट बेसिस पे हो। ये एक्चुअली में डेट में जो एक्सटेंशन हो रहा है उसकी वजह से इस बार आपका मेरिट लिस्ट पे लेने के लिए डिसीजन लिया गया है। ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आपका जो एडमिशन होगा मेरिट बेसिस होगा या एंट्रेंस होगा। लेकिन अगर मेरिट बेसिस होता है तो बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान के मतलब टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं कि तो उनका मार्क्स अगर कम आया है तो दो ही ऐसा तीन कॉलेज है जिसपे एडमिशन उनको मिल सकता है, उम्मीद था, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU। तो यहाँ पे कंपटीशन वगैरह होता है तो बच्चे की आखिरी उम्मीद है। अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया अगर लेती है मेरिट बेसिस पे तो बच्चे का वो भी उम्मीद, जो आखिरी उम्मीद है उनकी टूट जाएगा। तो देखिए क्या होता है, मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब आपको इंतजार करना होगा। देखिए ये जो डेट आया ना, इसको फाइनल नहीं किया गया है कि आपका एंट्रेंस होगा या मेरिट बेसिस पे होगा। इस आपका रिजल्ट को इसलिए मांगा गया है कि अगर इन फ्यूचर आपका फिर जो नेक्स्ट स्टेट मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर डेट का एक्सटेंशन होता है तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट आएगा मेरिट बेसिस पे। अगर डेट नहीं बढ़ सकता है तो हो सकता है कि आपका टेस्ट हो सकता है, आपका एंट्रेंस हो सकता है, क्योंकि अभी ये आपके पास टाइम है। 5 to 10 days आप वेट करें, पॉसिबिलिटी है कि आपका एंट्रेंस बेसिस पे भी एडमिशन हो सकता है और टेस्ट बेसिस पे भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज़्यादा करना बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर है 7011139746। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आखिरी में ये दो बात इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि अगर फॉर्म का डेट दोबारा एक्सटेंशन करने की अगर पॉसिबिलिटी आती है तो वो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा मेरिट बेसिस पे। इसलिए आपका मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आया है। मार्कशीट अपलोड इसलिए किया जा रहा है कि अगर फिर डेट बढ़ता है तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो इंट्रेंस होने के चांसेस है। तो आप अभी नाउमीद ना हो, अल्लाह के जात से उम्मीद रखें, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। तो टेस्ट हो भी सकता है और टेस्ट नहीं हो सकता है। वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। MSK सेंटर दोनों चैनल पर अपडेट डलते रहते हैं, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो भी एजुकेशन सेक्टर उसके रिलेटेड अपडेट की जाती है। चलिए दोस्तों, दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।